हेलो दोस्तों, कैसे हो? अगर समस्याएं जीवन का हिस्सा है तो उनसे लड़ना जीवन की कला है। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नीट 2024 के स्टूडेंट्स को लेके एक बैड न्यूज है, गुड न्यूज है, कैसी न्यूज है, प्रॉपर एनालिसिस के बाद में ही बात करेंगे। ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे बैड न्यूज है या फिर गुड न्यूज है, लेकिन पहले अपन बात करते हैं कि नीट 2024 कौन कंडक्ट कराने वाला है। तो अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग नीट 2024 कंडक्ट कराने वाला है एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमेटी, आपका एग्जाम कराएगा 2024 का। अब 2024 के बच्चों के लिए बैड न्यूज या फिर गुड न्यूज है क्या, एक एक करके मैं बात करता हूं कि नीट 2024 के बच्चों के लिए ही ये जो एग्जाम है ये अप्लाई होने वाला है। और ये एग्जाम जो बताया गया है वो बताया गया कि फरवरी 2028 में ये एग्जाम होगा। कब कब? फरवरी 2028 में। एक एक करके बात करता हूं। आज तक एमबीबीएस में चलता क्या यार? एमबीबीएस में चलता ये है कि एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पढ़ो, एग्जाम लगेगा, एग्जाम पास करो, क्लियर। सेकंड ईयर के सब्जेक्ट पढ़ो, फिर एग्जाम लगेगा, क्लियर। थर्ड ईयर के सब्जेक्ट पढ़ो, एग्जाम लगेगा, क्लियर। फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट पढ़ो और एग्जाम लगेगा, क्लियर। उसके बाद में फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट क्लियर करते ही आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करने को मिलेगी। फोर्थ ईयर में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं वो कौन से हैं? मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑब्स है, गायनो पेडियाट्रिक है, ये डर्मेटोलॉजी है, साइकेट्री है और एनेस्थीसिया ऑर्थो है। ये जो सब्जेक्ट है ये आपको फोर्थ ईयर में पढ़ने पड़ते हैं, वो डायरेक्टली आपको एमबीबीएस का जो इंटर्नशिप होता है उसमें एडमिशन मिल जाता है। अभी तक यही चला रहा है। अब क्या चेंज कर दिया गया? अब ये चेंज कर दिया गया कि यार अब एग्जाम का जो नाम रख दिया गया वो है नेक्स्ट फर्स्ट। नेक्स्ट फर्स्ट में क्या होने वाला? नेक्स्ट फर्स्ट में होने वाला ये है कि जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के सारे सब्जेक्ट इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस एग्जाम में क्वेश्चन इन सभी सब्जेक्ट के आएंगे जो फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक चलते हैं। तो यार अभी तक जो बच्चे एमबीबीएस करते हैं वो फर्स्ट ईयर में जाके मजे करते हैं मेडिकल कॉलेज में, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करते, लास्ट में एग्जाम पास करने के लिए एक दो महीने पढ़ते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और सीरियस पढ़ना चालू कर देते हैं। लेकिन वो यार यहां तक पहुंचते बोलते फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कहीं ना कहीं थोड़े से धुंधले हो जाते हैं, तो उन्हें रिकमेंड करना पड़ता है अब इस एग्जाम के लिए। तो इस एग्जाम के लिए रिकमेंड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यार, इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट फर्स्ट क्लियर करेंगे। और अब नेक्स्ट फर्स्ट क्लियर करेंगे तभी आपको जाके क्या मिलेगा? इंटर्नशिप मिलेगा, अदरवाइज आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगा। इंटर्नशिप अगर आपने पास कर लिया तो आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाएगा, और अगर आपने पास नहीं किया तो आपको 6 महीने बाद में फिर से मौका दिया जाएगा। फिर से क्लियर नहीं हुआ तो 6 महीने बाद में फिर से मौका दिया जाएगा। तो हर एक 6 महीने बाद में आपको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा नेक्स्ट एग्जाम फर्स्ट क्लियर करने के बाद। ये है प्रोसेस। उसके बाद में कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो आपको नेक्स्ट सेकंड देना पड़ेगा। आपको पीजी करना है तो आपको नेक्स्ट सेकंड देना पड़ेगा, और नेक्स्ट सेकंड में आपके जिस तरीके से, जैसे मान लो नेक्स्ट सेकंड में आपके नंबर आए हैं 400 नंबर, समझने के लिए बता रहा हूं मैं, 400 नंबर नेक्स्ट सेकंड में आए, और जो नेक्स्ट फर्स्ट दिया उसमें आपके 500 नंबर आए, तो टोटल मिला के आपके 900 मार्क्स हो जाते हैं। इन दोनों मार्क्स के बेसिस पे आपको रैंक दी जाएगी, और उसी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सी ब्रांच मिलती है वो आपको दी जाएगी। आपको सर्जरी मिलती है, आपको गाइनिंग मिलता है, आपको वो जो और बहुत सारे सब्जेक्ट है और बहुत सारी ब्रांचेस है वो आपको मिलती है, इस बेसिस पे आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है क्या? ये आपको फार्माकोलॉजी मिलती है, ये सब आपको बेटा जी यहां से इसी तरीके से आपको ये नंबर देने के बाद में ये बताया जाएगा कि आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है। तो डरने की तो मेरे हिसाब से कोई बात नहीं है, डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट तो आपको पढ़े ही होते हैं। इसके बाद में इसको थोड़ा सा रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद में एनएमसी ने ये भी बोला है कि ये जो नेक्स्ट का एग्जाम है इतना हार्ड नहीं होने वाला है। हालांकि बोला है लेकिन मेरे हिसाब से हार्ड तो है यार, इससे तो हार्ड है। तो सारे सब्जेक्ट कवर करना थोड़ा सा हार्ड तो पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ से जो बच्चा ये नेक्स्ट फर्स्ट क्लियर करके जो एमबीबीएस क्लियर करेगा, पूरी करेगा, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मेरे को ज्यादा नॉलेज हो, और यहाँ से जो बच्चा निकलेगा वो ज्यादा अच्छा डॉक्टर निकलेगा मेरे हिसाब से। तो ये नेक्स्ट एग्जाम से आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और नेक्स्ट सेकंड से भी आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2024, थैंक यू।